फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने IQ Z9 Lite Android मोबाइल फोन में आप जो है अपने मोबाइल फोन में कॉल फॉरवर्डिंग कैसे कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो को हम यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, इसके लिए आपको सबसे पहले मोबाइल फोन का एक कॉलिंग का ऐप ओपन करना है। कॉलिंग के इस ऐप में आपको पहले तो ये नीचे डायल का ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे सबसे ऊपर आपको 3 डॉट पे टैप करना है। इस पेज में आपको कॉल सेटिंग का ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो इसमें आपको ये कॉल फॉरवर्डिंग का ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ये पेज आपका रिफ्रेश होगा, यहाँ पर आपको थोड़ी देर तक वेट करना है जब तक ये पेज रिफ्रेश नहीं हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको सबसे ऊपर ये ऑलवेज फॉरवर्ड का ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर ये जो पेज है ना, इस पेज में आपको इस जगह पे एक मोबाइल नंबर आपको एंटर करना है। देखिए, मोबाइल नंबर कौन सा एंटर करना है, आपको सिर्फ ना अपना मोबाइल नंबर छोड़कर किसी दूसरे पर्सन का मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करना है, ठीक है। तो ये नंबर मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, ये मेरा मोबाइल नंबर नहीं है, ये मेरे फैमिली का मोबाइल नंबर है, ठीक है। तो इसके बाद आपको ये ऑन का बटन है, ऑन पे आपको टैप करना है। तो यहाँ पर आपका पेज जो अपडेट होने लगेगा, तो यहाँ पर आपको थोड़ा वेट करना है जब तक आपका पेज अपडेट होगा, ठीक है। तो देखिए, ये पेज जो अपडेट हो चुका और यहाँ पे ऑलवेज फॉरवर्ड के नीचे ये नंबर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके फोन में कॉल फॉरवर्डिंग चालू हो जाती है, ठीक है। अब ये सेटिंग देखिए कैसे काम करेगी, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, आप कोई भी पर्सन जो है अपने मोबाइल फोन में मेरा मोबाइल नंबर डायल करेगा ना, तो वो जो इनकमिंग कॉल होगी ना, वो इनकमिंग कॉल मेरे मोबाइल नंबर पे नहीं आएगी, वो इनकमिंग कॉल इस वाले नंबर पे चली जाएगी, ठीक है। तो मेरे मोबाइल नंबर पे कोई भी कॉल नहीं आएगा, सारे के सारे कॉल इस वाले नंबर पे चले जाएंगे, फॉरवर्ड हो जाएंगे, ठीक है। ये सेटिंग ऐसे काम करती है कॉल फॉरवर्डिंग इनेबल करने के बाद, ठीक है।